गाइस, मैंने एक लहंगा ऑर्डर किया है, वो मीशो से मैंने ऑर्डर किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका रिव्यू किया जाए। वो मैंने ब्लू कलर का मंगाया है और ये है वो लहंगा, और ये काफी अच्छा है। इसका फैब्रिक जो आया है ये वेलवेट फैब्रिक पे है, देख सकते हैं आप कैमरे में, ये वेलवेट फैब्रिक पे है। और गाइस ये काफी खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा आपको एक बार दिखाया जाए कि कैसा लग रहा है। और इसमें ये जो डॉट डॉट जैसा दिख रहा है ये मोती वर्क में है, आप करीब से देखिए, ये मोती लगी हुई है इसमें, और काफी फिनिशिंग से आया है। और ये काफी महंगा नहीं था, कॉस्टली नहीं था, बहुत बजट में ये लहंगा था। और इसमें पैच पैच जैसा बना हुआ है, जो ये पैच है, ये जो फ्लावर का वर्क है, ये थ्रेड वर्क का किया गया है, और ये काफी खूबसूरत है। इसकी लेंथ तो बहुत अच्छी है, ये काफी अच्छा है। बस इसमें कैन-कैन नहीं लगा गाइस, अगर आपको बहुत ज्यादा फ्रिल चाहिए या बहुत ज्यादा घेर चाहिए तो आपको कैन-कैन लगवाना पड़ेगा अलग से। और नीचे की ओर ये एक सिंपल सा लेस टाइप का दिए हुए हैं, तो काफी खूबसूरत सा नीचे से भी लुक दे रहा है। और देखिए आप, काफी खूबसूरत लहंगा है, तो मैंने सोचा इसको मतलब आपको दिखाया जाए कि ये कैसा लग रहा है। और इसकी जो दुपट्टे की बात की जाए तो गाइज इसका दुपट्टा नेट में आया है, ये नेट का मतलब दुपट्टा है। और देखिए इसमें साइड साइड में लेस दिए हैं, ये ब्लू हैवी ब्लू कलर में ही लेस का मतलब कॉम्बिनेशन में लेस दिए हुए हैं, और लेस में भी वर्क किया है, तो काफी सुंदर लग रहा था ये लहंगा, और काफी रिजनेबल प्राइस में है। गाइज जो इसका रेट होगा वो मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, तो आप देख लीजिएगा कि ये कितने का है इस समय, मतलब मीशो पे ये कितने का है। और इसका जो दुपट्टा कॉम्बिनेशन दिए, कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा दिए हैं, ब्लू और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन दिए हैं, पूरे दुपट्टे में वर्क भी दिए हैं, और दुपट्टे की लेंथ भी 2.25 मीटर है, कम नहीं है, छोटी नहीं है। तो काफी खूबसूरत लहंगा है, अगर आपको ऑर्डर करना है तो बिल्कुल आंख बंद करके कर सकते हैं, किसी भी साइड पार्टी में पहनने के लिए, कुछ भी करने के लिए। इसके कलर ऑप्शन गाइस बहुत ज्यादा है, और आप अगर कलर ऑप्शन कोई और भी मंगाना चाहते हो तो और भी कोई मंगा सकते हैं, पर ये ब्लू और पिंक का भी कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, तो अगर आपको मंगाना है तो बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। गाइज मैं दूसरा आइटम मंगाई हूँ, एक ज्वेलरी, और वो भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था, तो वो भी ज्वेलरी हमको ठीक लगी थी, रेट के हिसाब से सही लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका भी रिव्यू आपको दिखा दे कि वो कैसा आया है। अगर सिंपल पार्टी में या शादी में या लहंगे पे अगर आपको सिंपल सी ज्वेलरी चाहिए तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। ये काफी फिनिशिंग में देखिए इसका वर्क है, ये काफी अच्छा लग रहा था, गले में एकदम चिपक के आ रहा था ये मतलब ज्वेलरी। और इसमें इयररिंग भी दिया था, और इयररिंग देखिए काफी बड़े बड़े से हैं, केवल इयररिंग पहनना चाहो तो आप तब भी मतलब कैरी कर सकते हो, पहन सकते हो। इसमें एक बेंदी भी दिया गया है गाइस, वो बेंदी मोती से है, और इसमें पूरी मोती का वर्क है, पूरी लेंथ पे मोती का वर्क है, और ये एक छोटा सा पेंडल। बस इतना इसका डिसएडवांटेज मुझे थोड़ा सा बेंदी का ये लगा कि इसकी बेंदी की थोड़ी साइज जो है, उसकी लंबाई जो है थोड़ी कम है, तो इसमें आपको थ्रेड बांध के ही बेंदी को मतलब लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये जो डोर है वो डोरी है वो यही तक आ रही है। तो इसलिए गाइज हमको ये सेट भी बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत कॉस्टली नहीं था, तो इस वजह से मुझे ये सेट भी ठीक लग रहा था, कि मुझे लगा कि ये सेट भी अच्छा है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और इसका भी जो रेट है या कितने का है, ये मैं कोड या इसका रेट वो मेंशन कर दूंगी, और आप आराम से इसको परचेस कर सकते हो। और गाइज ये लहंगा और ये ज्वेलरी का दोनों का कोड हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आपको परचेस करना होगा तो बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको मेरा ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लग रहा हो, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, और थैंक यू सो मच।